जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन आठ नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके साल 2023 में लव मैरिज के जो है 100% योग बन रहे हैं। हालांकि विरले ही केपी की वाणी पर लव मैरिज की जानकारी दी जाती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के जमाने में युवाओं के मानसिक विकारों का ख्याल रखकर जो है लव मैरिज से रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाए जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं और प्रेम भाव में पड़े हैं, प्रेम प्रसंग में पड़े हैं, तो वो कभी भी माता पिता के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह नहीं करते हैं और माता पिता की सहमति के मिलने के बाद ही वे लव मैरिज करते हैं। तो यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है, ऐसे जातक जो माता पिता के खिलाफ जाकर शादी करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके मन में इस तरह का ख्याल है, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आपका जो वैवाहिक जीवन वो कष्टमय हो सकता है। न केवल आपको जीवन की अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, इसके अलावा माता पिता का आशीर्वाद भी जरूरी होता है, तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें। और इन बातों को अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको अवश्य ऐसा लगेगा कि माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और केपी की वाणी की पूरी टीम की तरफ से भी आपसे यही गुजारिश है कि कभी भी माता पिता का दिल बिल्कुल ना दिखाएं, उनका दिल कभी ना दुखाएं और उनकी बात को अवश्य माने। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा लव मैरिज से रिलेटेड, तो आप वीडियो में बने रहें। और उन आठ नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके साल 2023 में जो है लव मैरिज के 100% योग बन रहे हैं, और यह जानकारी आपको पूरी तरह से सही और सत्य जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय भी आध्यात्मिक दृष्टि से ही रहेगी और उन उपायों को करते हैं तो लव मैरिज की संभावना बढ़ जाएगी। तो आइए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से शादी में व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु बढ़ती जा रही है, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है, आपके माता पिता परेशान हैं, आप लाख चाहकर भी अपने रिश्ते को नया आयाम देने में असमर्थ हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पिछले कुछ सालों से हो रहा है और आप इसकी गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप सही डेस्टिनेशन पर है। यानी कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी पूर्ण रूपेण दी जाती है, विस्तार पूर्वक दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा घर द्वार कैसा होगा, सुखी संपन्न होंगे कि नहीं होंगे, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दो माध्यमों से किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं, चाहे तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो फिर आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो केपी की वाणी से जुड़ने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दे, केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। वही ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अक्सर आपने दंपतियों के बीच देखा होगा कि उनके बीच अनबन रहती है, नोकझोंक चलते रहते हुए एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं, उनके बीच में अस्थिरता रहती है, उन्हें मानसिक पीड़ा रहती है, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? अगर आप खुद भी उस उलझन में फंसे हैं कि आपकी शादी होने के बाद जो वैवाहिक जीवन एकदम नरकमय बीत रहा है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि केपी की वाणी से संपर्क कर आप एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, इससे आपको विवाह उपरांत की वैवाहिक जीवन की जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन क्यों ऐसा कष्टमय बीत रहा है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, केपी की वाणी की ओर मात्र शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है, तो शादी से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप केपी की वाणी के साथ बने रहें और आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको उन आठ नामों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कारक।
तो विवाह के जो कारक होते हैं अशुभ ग्रह होते हैं। अशुभ ग्रह मंगल राहु केतु शनि है। तो अगर विवाह भाव में राहु केतु शनि हो या मंगल हो तो ऐसे परिस्थिति में जो है जातक के लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। अगर विवाह भाव में मंगल के साथ राहु या केतु हो तो माता पिता के खिलाफ जाकर जो है बच्चे शादी कर लेते हैं। तो अगर आपके विवाह भाव में यानी जीवन साथी के भाव में मंगल के साथ राहु है या केतु है तो फिर आपकी ऐसी संभावना प्रबल है। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप माता पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें और माता पिता की सहमति के पश्चात ही शादी करें। इसके अलावा शनि के रहने पर भी लव मैरिज के योग बनते हैं। तो आइए आपको बता दें कि जो वर्तमान समय में जो है राहु का गोचर मेष राशि में हो रखा है तो मेष राशि के जातक के लिए, और वहीं केतु का गोचर तुला राशि में हो रखा है तो तुला राशि के जातकों के लिए। वर्तमान समय में मंगल जो है वो वृषभ राशि में है और 13 मार्च तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस दौरान अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपकी लव मैरिज के 100% योग हैं। आप अपने माता पिता से बात करें, उन्हें अपने दिल की बात बताएं, अपने पार्टनर के माता पिता से मिले उन्हें अपने दिल की बात बताएं और उन्हें ऐसा एहसास दिलाए कि आप जो है अपने जीवन साथी का सबसे बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आप कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि आपको मैं फिर सलाह दूंगा कोई भी ऐसी कार्य या गतिविधि में शामिल ना हो जिससे कि माता पिता का दिल दुखे। तो मंगल जो है वो लव मैरिज के कारक होते हैं। तो मंगल 13 मार्च तक वृषभ राशि में, उसके पश्चात मई 10 तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर में जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे और अंत में जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें आपको तो वर्तमान समय में वृषभ राशि में और उसके पश्चात अप्रैल मई में जो है कर्क राशि के जातकों के लिए, फिर कर्क राशि के बाद जो है जुलाई तक जो है सिंह राशि के जातकों के, और फिर उसके बाद कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है कि मंगल किन किन राशियों में प्रवेश कर रहे हैं और उसे किन राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बन रहे हैं। आइए मैं आपको कुछ पहले उपाय बता देता हूं, उन उपाय को अगर आप करते हैं तो लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रेत के जो कारक होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनके जैसा अनुपम उदाहरण इस विश्व जगत में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण जी का जो त्यागपूर्ण वाला प्रेम रहा वो विरल ही देखा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि उस तरह का प्यार संसार में है ही नहीं व्याप्त, वो अनंत है और अनूठा है, इसके अलावा अनुपम भी है। तो राधा कृष्ण जी और जो उनकी के बीच प्रेम प्रसंग रहे वो त्याग वाला प्रेम प्रसंग रहा है, किंतु आधुनिकता में जो है इंटरनेट के जमाने में जो है ये आकर्षण का प्यार है, इसमें त्याग नहीं बल्कि आकर्षण होता है। तो इस प्यार में जो है स्थिरता भी नहीं रहती है और यह अस्थिर रहता है। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से विष्णु और भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोजाना 3 माला जाप करें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का रोजाना 3 माला जाप करें और इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुक्र करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, भगवान की आशीर्वाद याचना करें, उनसे प्रार्थना करें और उनसे विवाह के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इससे लव मैरिज के विवाह के योग बने लगते हैं। आपने करना क्या है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके, माँ लक्ष्मी के चरण शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप 3 माला करना है। इस माला के जाप से जो है आपके लव मैरिज की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं इसके अलावा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आपने करना है। इसके अलावा केशवी केशवराधराय किशोरी केश वस्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता, केशवी केशवा आराध्य किशोरी केश वस्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता, इस मंत्र का भी जाप आपने करना है। इस मंत्र के जाप से भी लव मैरिज के योग बनते हैं। इसके अलावा जो आपको कुछ विशेष जानकारी अपने मन मस्तिष्क में रखना है कि शनिवार और अमावस्या के दिन अपने पार्टनर से बिल्कुल ना मिले, शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर पूर्णिमा हो तो इस दिन अगर मिलते हैं तो यह ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। शिवजी और माँ पार्वती की विशेष पूजा करें सोमवार और शुक्रवार के दिन। सोमवार और शुक्रवार के दिन अगर शिवजी और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना बन जाएगी। और सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े ही पहने। इसके अलावा हर शुक्रवार के दिन जो है जो मैंने मंत्र बताया उन मंत्रों का जाप करें।
पांच लौंग लेकर उन्हें स्पर्श करके जो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें और उस लौंग को अपने साथ रखें, और अगले बार जब अपने जीवन साथी से मिले यानी जिस व्यक्ति से या जिस शख्स से आप प्रेम प्रसंग में हैं उन्हें यह लौंग खाने के लिए दें। तो यह जो है कम से कम 16 शुक्रवार को यह उपाय करना है, तो इससे जो है लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। आपको एक बार और दोहरा देता हूं कि केपी की वाणी वशीकरण जैसी कोई भी कार्य गतिविधि में शामिल नहीं रहता है। यह आपको आध्यात्मिक दृष्टि से उपाय बताए हैं, इनसे जो है फायदा अवश्य मिलता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं। तो मेष राशि के जातकों के लव मैरिज के प्रबल योग है साल 2023 में, क्योंकि मेष राशि के जातकों में वर्तमान समय में राहु का गोचर है अक्टूबर 30 तक, इसके चलते मेष राशि के जातकों के लव मैरिज के प्रबल योग है। मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से होता है, तो अगर आप क्या नाम अक्षर ALE से शुरू होता है और आप प्रेम प्रसंग में है तो आपके लव मैरिज के प्रबल योग है। दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के जातकों के भी लव मैरिज के प्रबल योग है। वृषभ राशि में जो वर्तमान समय में मंगल का गोचर हो रखा है, तो मंगल के गोचर से वृषभ राशि के जातकों के भी लव मैरिज के योग है, और अगर आपका नाम अक्षर BUV से है तो आपके भी लव मैरिज के प्रबल योग है। वहीं तीसरा जो नाम अक्षर है वो HA यानी कि कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के 30 मई से जो है विवाह के योग बनेंगे लव मैरिज के, और 1 जुलाई तक उनकी लव मैरिज के योग है, इस दौरान उनकी लव मैरिज हो सकती है। तो अगर आप का नाम अक्षर H से है तो फिर आपकी लव मैरिज के योग है। उसके अलावा कन्या राशि के जातकों के 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक, और फिर तुला राशि के जातकों के 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, और फिर वृश्चिक राशि के जातकों के 16 नवंबर से लव मैरिज के योग हैं। तो कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर P से होता है, तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर R से होता है, और वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर N और Y से होता है। तो आपको कुल मिलाकर कहे तो ALE BUV H, इसके अलावा M नाम के जातक, P नाम के जातक, R नाम के जातक, N और Y नाम के जातकों के लव मैरिज के 100% योग हैं। सी राशि के जातकों के तो लव मैरिज 100% हो ही जाएगी, क्योंकि सी राशि के जातक हमेशा लव मैरिज को ही तवज्जो देते हैं और लव मैरिज में ही परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लव मैरिज के प्रबल योग बनेंगे। तो लव मैरिज के लिए जो है आप इन उपायों को कर सकते हैं, जो उपाय आपको केपी की वाणी की तरफ से बताए गए हैं आप उन उपायों को कीजिए। अगर आप मंत्र को व्हाट्सएप पर मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप हमें करें, हम आपको मंत्र अवश्य भेजेंगे और आपको पूर्ण जानकारी देंगे आपके लव मैरिज की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष गणना और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर यह जानकारी दी है साल 2023 में किन नामों के लव मैरिज के 100% योग है। हमारा उद्देश्य मैं आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं अपनाते हैं उपयोग करते तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित हुआ ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड था प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दी, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।